नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये चीज बॉल बनाना बताऊंगी जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और आप आजकल जबकि बाहर से कुछ नहीं खा सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप ये बच्चों को बना के दीजिए। आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं, जब भी मन चाहे तो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये 1 कप के करीब आलू लिया है, ये हमने 1/4 कप के करीब चीज ले लिया है ग्रेट करके। इसके अलावा हमने ये 1 बड़ा प्याज, 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 2 बड़े चम्मच हमने ये धनिया पत्ती काट के ले ली है। इसके अलावा हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लिए, हमने 4-5 ब्रेड को पीस के ले लिया है। हमने ये 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसकी हम एक स्लरी बनाएंगे। और 1 कप हमने ये कॉर्न लिया है। तो चलिए फटाफट हम इसे बना लेते हैं। ये कॉर्न को हम डालेंगे बाउल में। कॉर्न हमने हल्का सा उबला हुआ लिया है, उबला हुआ कॉर्न हमें लेना है। तो इसमें डाल देते हैं हम ये 1 कप जो हमने प्याज काट के रखा था, ये शिमला मिर्च, ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया सब हमने डाल दिया है। तो अब हम इसमें आलू मैश करके डाल देते हैं। हमारे पास ये छोटे साइज के आलू थे तो हमने ये काफी सारे लिए हैं। अगर आप बड़े साइज के आलू यूज कर रहे हैं तो 2 या 3 आलू में हो जाएगा। तो हमने इसमें चीज भी डाल दिया है। अब इसमें हम ये 1/2 ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। तो ब्रेड क्रम्स नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस घर में जो भी बची हुई ब्रेड है उसे आप मिक्सी में डालिए और पीस के तैयार हो जाता है। हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाले हैं। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं, 1/4 चम्मच इसमें हम ये पेपर पाउडर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं पहले। अगर हमें ये थोड़ा गीला लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स और मिलाएंगे। अच्छे से मैश करते हुए हमने इसे मिला लिया है। तो हम इसमें थोड़ा सा 1/4 कप के करीब इसमें ये ब्रेड क्रम्स और डाल देते हैं। तो ये तैयार हो गया है मिश्रण हमारा। हमें थोड़ी सी चीज अलग से ग्रेट करके ले लिए जो इसके अंदर हम फिल करेंगे। तो इस तरह से हाथों में हमने तेल लगाया और एक छोटा सा टुकड़ा हमने मिश्रण कर लिया और बीच में थोड़ा सा चीज रखते हुए इस तरह से हमने ये नींबू के आकार के बॉल बना लिया। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना के पहले तैयार कर लेते हैं। तो चीज को हमें अच्छे से अंदर की तरफ फिल करना है, बाहर ना रहे। तो ये देखिए सारे हमने ये बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये जो मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया था इसमें हम 1/4 कप के करीब पानी मिला के और इसकी एक स्लरी सी बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी स्लरी बना लेते हैं। थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। तो ये देखिए ये तैयार हो गई। तो अब हम ये एक बॉल उठाएंगे और इसे हम इस स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह से लपेट देंगे। पूरी तरह से ब्रेड क्रम्स को हमें इसे लपेट देना है, कुछ भी बाहर जिसमें निकले ना, दिखना नहीं चाहिए। तो हमने इस तरह से एकदम हाथों से शेप देते हुए हम इस तरह से करेंगे जैसे कि ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाए। तो सारे बॉल्स से हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं इसमें ब्रेड क्रम्स लगा के। फिर स्लरी में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह से हम इसे रोल कर देंगे तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसमें लग जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा सारे बॉल्स तैयार हो गए। तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में। तो आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसे किसी एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रीजर में रख सकते हैं और जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं। तो हमने इसे 1/2 घंटा फ्रिज में रखा था और ये एकदम अच्छे से सेट हो गए हैं। फिर से हम इसे हल्का सा हाथों से शेप देंगे। तेल हमने अच्छे से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और अच्छे गर्म तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल में हमने इसे डाल दिया है। एक बार में बहुत सारे बॉल ना डालें वरना टूट जाएंगे। तो साइड से तेल हम इस तरह से डालते हुए और इसे फ्राई करेंगे अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक। ये देखिए एकदम अच्छा गोल्डन हो गया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारे बॉल हमने निकाल लिए हैं, बाकी के भी हम इसी तरह से डाल के और फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये चीज बॉल बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप इसे टमाटो सॉस के साथ या फिर कोई भी घर की चटनी के साथ सर्व करें, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और जो आपने फ्रीज करके रख दिए हैं तो जब भी मन चाहे, जब कभी मेहमान आ जाए तो आप उसे निकाल के और सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।